प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारी को संविदा कर्मी घोषित करने की मांग को लेकर राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से की जा रही हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। इसके तहत एम्बुलेंस कर्मी जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों में गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। देखिए 2021 से हम लगातार संविदा कर्मी कमेटी में हम लोगों को शामिल करके स्थायी करने की मांग से लगातार हम सरकार से लड़ रहे हैं। 21 तारीख से लगातार हम काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ज्ञापन के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचाते रहे। सरकार द्वारा किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होने के कारण पिछले 3 दिनों से पूरे राजस्थान के एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पे हैं और मेडिकल कॉलेज के सामने धरने पे बैठे हुए हैं। आज हमारी प्रथम दौर की वार्ता है, मिशन अतिरिक्त मिशन निदेशक प्रियंका गोस्वामी जी के साथ हुई, लेकिन वार्ता हमारी असफल रही। दूसरे दौर की वार्ता हमारी 4 बजे रखी गई है। एम्बुलेंस कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हम लोगों को संविदा कर्मी कमेटी में शामिल करके स्थायी किया जाए और ठेका प्रथा से हम मुक्त किया जाए। एम्बुलेंस के अंदर 2 पद होते हैं, इसमें एक नर्सिंग स्टाफ होता है और एक पायलट का पद होता है। सरकार है जो नर्सिंग स्टाफ को बोनस अंक दे के स्थायी कर रही है, लेकिन पायलट को लगातार 2008 से कोई भी ऐसा बोनस और इतलाब देके स्थायी वाली योजना में शामिल नहीं कर रही है। तो संविदा रूल 2022 बने, उसमें हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों का भी उसमें नाम ऐड हो और इनको भी स्थायीकरण है वो किया जाएगा।